क्वालिफिकेशन होती है 10, 12 एंड ग्रेजुएशन और एंड अबव। अच्छा, उसके हिसाब से जो है वो हमारी सैलरीज होती है। हाँ। फिर लेकिन सैलरीज जो है वो अगर आपका 10th रहे तो उसका हिसाब रहेगा, लेकिन अगर कम ज़्यादा 12th ग्रेजुएशन रहता है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी होगी। सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए रहती है और आपका जो रिज्यूम होता है उस बेसिक पे आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो मैं किसी को अगर जॉब चाहिए तो वो क्या कैसे ढूंढे विशाल? वो हमारे सर पैसे कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे क्या यूनिफॉर्म? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, वॉकिंग इंटरव्यू। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बताएं जो कि हमारे ही शहर में हो, हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम फ्रेशर हैं, हमें अपने ही क्षेत्र में हमारे ही शहर में हमें नौकरी बताएं। तो गाइज, आज की ये जो वीडियो है ना, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कम क्वालिफिकेशन है, जो कि फ्रेशर है और अपने शहर में नौकरी चाहते हैं। गाइस, विशाल मेगा मार्ट आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा मार्ट है और यहां पर रेगुलर बेसिस पर काफी सारी हायरिंग्स आती रहती हैं। लेकिन जब मैं विशाल मेगा मार्ट में जॉब सर्च कर रही थी ऑनलाइन, तो मुझे ऐसी सारी चीज़ें मिली जिसको देख करके मैं शॉक हो गई। गाइस, मैंने तकरीबन 10 से 15 लोगों को कॉल किया होगा नौकरी जो है वेरीफाई करने के लिए, और आपको मैं बताऊं कि मैं शॉक हो गई कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब मुझे जेन्युइन मिली, बाकी सब के सब यहाँ पर पैसे जो हैं वो लूट रहे हैं। गाइस, आप एक एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं साइड में, ये न्यूज़पेपर की एक क्लिपिंग है जहाँ पर निकली है कि विशाल मेगा मार्ट में भर्ती निकली है, इस नंबर पर संपर्क करें। जब मैंने यहां पर संपर्क किया तो देखिए क्या बात हुई मेरी। हेलो सर, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट में जॉब वैकेंसी देखी थी। सर, मैं बेसिकली अभी नागपुर से बात कर रही हूँ। नागपुर से बात कर रही हूँ सर मैं। नागपुर जी। मैम, ये नंबर तो देख ही गया है। सॉरी, दिल्ली का नंबर। अच्छा, दिल्ली। तो दिल्ली में है क्या सर जॉब? हाँ, दिल्ली में मिल जाएगा। तो सर मतलब क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होगी? अच्छा, मेल फीमेल दोनों को? हाँ। और कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे सर? इसमें जॉब का कोई नहीं लगता पैसा, तो इसमें ड्रेस का लगता है, 1000 रुपीज लगता है। किस चीज़ का लगता है? यूनिफॉर्म के लिए। और अगर सर अगर ऐसा ऑप्शन हो कि मतलब जब मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद मैं पैसे दूं तो? ये लगता है जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बाद या ऑफर लेटर मिलता तब लगता है। अच्छा, मतलब देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ। और ऐसा नहीं होगा कि सैलरी में से कट जाए वापस जब मेरी पहली? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक और क्लिपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो क्लिपिंग है ये मैंने एक और थर्ड पार्टी पोर्टल से ली है, नाम मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपने विशाल मेगा मार्ट में अप्लाई किया है तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा ये नंबर मैंने कहाँ से लिया होगा। आप ये भी क्लिपिंग सुनिए। सर, ये मैंने जॉब देखी वी मार्ट में, तो अभी यहाँ पर हायरिंग चल रही है क्या? अच्छा, घंटे की ड्यूटी है, 10 to 6 का टाइमिंग है। ओके, आपके मेल छुट्टी है, मंथ के 4 है। अच्छा ठीक है। प्रेशर है, आप ये आगे से देखा? सॉरी, हेलो, एक्सपीरियंस है आपको कुछ? हाँ सर, एक्सपीरियंस है, पहले भी काम किया है, 2-3 जगह काम किया है। तो यूनिफॉर्म है आपके पास? हाँ, यूनिफॉर्म है ना मेरे पास। किसका है? मेरे पास एक सिक्योरिटी एजेंसी का यूनिफॉर्म है। नहीं, विशाल मेगा मार्ट का तो नहीं है, मैंने काम तो नहीं किया। तो मैम अगर इसमें करेंगे आप तो यूनिफॉर्म आपको मिलेगी, बट चार्जेबल होगी, 1250 सबमिट होगा उसका। 1250 रुपए? हाँ, वो 3 to 7 days के लिए सबमिट होगा आपका, 3 to 7 days वर्किंग कर लेंगे आप तो। अच्छा, चार्जेस बैक हो जाता है, यूनिफॉर्म फ्री कर दी जाती है। अच्छा
और इंटरव्यू जो चल रहे हैं भर्ती वो चल रही है मैडम आईटीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उससे आगे पड़ता है समाल का अच्छा। रोड पे हाँ 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 कार्यालय है, यहाँ भर्ती के लिए आपको अपना आधा एक घंटे का समय देने जाना पड़ेगा। अच्छा भर्ती होंगे वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेंगे आप, अच्छा आई कार्ड वगैरह इशू होगा वो लेके आपको आना है, ड्यूटी आप अपने एरिया में ही करेंगे। अच्छा सर, लेकिन मैंने बात करी थी विशाल मेगा मार्ट में जाकर के, वो लोग तो बोल रहे थे कि कुछ पैसे वगैरह नहीं देने होते। तो वो आप उनसे फिर सीधी बात करें ना, हमारे पास बात करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है वहाँ। अच्छा अगर डायरेक्ट होती तो डायरेक्ट करते। अच्छा भर्ती जो करते हैं वो होते हैं मैन पावर से, उन्हें हेल्पर, पैकिंग, हाउसकीपिंग, सेल्स, रिटेल, जिस प्रोफाइल के कैंडिडेट चाहिए होते हैं वो मैन पावर को अपना शेड्यूल भेज देते हैं, पर हमें इस एरिया के दो लड़कियां, छह लड़कियां ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता जो 1200 रुपए लगे वो मेरी सैलरी में से कट जाए, तनख्वाह में से कट जाए जो मुझे मिले? नहीं नहीं मैम, तनख्वाह तो आपकी 1 मंथ बाद आएगी, बट यूनिफॉर्म वगैरह तो पहले भी नहीं इशू कराया जाएगा तो वो होता है 2600 का, उसमें कंपनी रिस्क नहीं देती है ना कि हम आपको यूनिफॉर्म आई कार्ड इशू कर दे। अच्छा आपका कोई खर्चा तो हुआ नहीं, आप फ्री में भर्ती हो गए हो, अच्छा सर डीमार्ट में भी आप लगवाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो विशाल मेगा मार्ट नहीं, डी मार्ट आया ना, डी मार्ट नया एक आया डी मार्ट। नहीं हमारे पास डी मार्ट नहीं है, हमारे पास विशाल, रिलायंस, बिग बाजार, लेवाइस, नाइक, वुडलैंड, अच्छा, और आपका जीआईटी, सिप्रा, स्पाइस, ये मॉल है, एमबीएस है, तारा है, मेगा है। अच्छा ओके, इनमें से हम खाते हैं जो हमारे पास हाउस कीपिंग, हेल्पर, सेल्स, रिटेल, कैश बिलिंग, स्टोर फ्लोर, इनके लिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट करती हूँ बाद में, है ना? ओके ओके गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी क्या है। तो जब मैंने इन सभी लोगों से बात करी तो मैंने डायरेक्टली जो है विशाल मेगा मार्ट जो मेरे घर के आसपास था, मैं वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी करके आई कि भाई क्या मतलब, इन लोगों की बातें सुनकर के ना मुझे ऐसा लिटरली लग रहा था कि भाई मुझे ये ना यूनिफॉर्म के लिए पैसे देने ही देने हैं, बिना पैसे दिए ना मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती, और ये जो बात कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। और इसी को जो है जानने के लिए कि भाई सच में ऐसा होता है या नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं अपने नियरेस्ट जो विशाल मेगा मार्ट है ना, मैं वहाँ पर गई और वहाँ के लोगों से मैंने पूछना स्टार्ट किया कि सर क्या यहाँ पर पैसे लगते हैं क्या नौकरी के लिए, और अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उनको कैसे नौकरी मिलेगी। तो ये देखिए क्लिपिंग, ये मैं क्लिपिंग आपको दिखा देती हूँ। गाइस मेरे साथ रोजीना है जो कि विशाल मेगा मार्ट में काम करती हैं, और आज इनके इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप विशाल मेगा मार्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो एग्जैक्ट तरीका क्या है। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि विशाल मेगा मार्ट में क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होगी? क्वालिफिकेशन होती है 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन और एंड अबव। अच्छा उसके हिसाब से जो है वो हमारी सैलरीज होती है। हाँ। फिर लेकिन सैलरीज जो है वो अगर आपका 10th रहे तो का हिसाब रहेगा, लेकिन अगर कम ज़्यादा 12th ग्रेजुएशन रहता है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी। अच्छा मैम एक मैं बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैं ना जॉब ढूंढ रही थी विशाल मेगा मार्ट की ऑनलाइन, तो मुझे एक तो फ्यू साइट मिली, वहाँ पर तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट लेकिन मैं बहुत सारी साइट्स थी जहाँ पर जाकर के देखा, वहाँ पर है ना लोग बोल रहे थे कि 1200 रुपये जमा करो हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जी नहीं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में जो है वो जॉब के लिए कोई भी पे नहीं किया जाता है, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से ये रखते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब 1200 रुपये पे करना या जो भी है तो ये फेक है। हमारे यहाँ पे कोई भी, सिर्फ आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए रहती है और आपका जो रिज्यूम होता है उस बेसिक पे आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो मैम अगर किसी को जॉब ढूंढनी है ऑनलाइन, तो पता है आपने बताया कि कोई पैसे वगैरह नहीं है, ज़्यादातर वैकेंसी फेक ही मुझे मिली, तो किसी को अगर जॉब चाहिए तो वो क्या कैसे ढूंढे विशाल? वो हमारे विशाल मेगा मार्ट जहाँ पे भी है बस वहाँ पे जाकर नियरेस्ट में आपको जो है वो अपना रिज्यूम जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, फिर हमारे यहाँ पे जब भी वैकेंसी निकलती है तो हम खुद कॉल करते हैं और आपको जो है वो जॉब ऑफर करना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम।
देखिए इन्होंने साफ साफ मना करा है कि नौकरी के लिए यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाते, किसी भी तरीके के कोई चार्जेस नहीं होते, और अगर आपको नौकरी चाहिए बेसिकली ऐसी नौकरी जिसमें 10th पास 12th पास या फिर ग्रेजुएशन जो है मांगी हो या खास करके इनके मार्ट में हो यानी इनके मॉल में हो, तो उसके लिए ना आपको इनकी डायरेक्टली मॉल में जाना होगा, वहाँ पर इंक्वायरी करनी होगी, कोई वैकेंसी आई होगी तो आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग जाएगा, नहीं आई होगी तो आपको वहाँ पर सीधे ही मना कर दिया जाएगा, किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं होते, किसी तरीके की कोई फीस नहीं होती। एक और वैकेंसी मैंने देखी थी ऑनलाइन एक पोर्टल पर, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगी, तो मैंने वहाँ पर भी कॉल जो है वो करा, और ये सुनिए मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं ऐसे ही काफ़ी सारे कॉल कर करके परेशान हो गई थी, तकरीबन 15 से भी ज़्यादा मैंने कॉल किए थे। तो ये क्लिपिंग देखिए, यहाँ पर अभी जो है पंजाब में हायरिंग चल रही है, विशाल मेगा मार्ट में ही हायरिंग चल रही है, खास करके स्टोर मैनेजर के लिए हायरिंग चल रही है, तो उन्होंने देखिए क्या बोला। हेलो, हाँ जी भैया, ये मैंने ना जॉब देखी है मेगा मार्ट की, हाँ जी, स्टोर मैनेजर की, हाँ जी, अभी हायरिंग चल रही है क्या सर? मंडे को इंटरव्यू है मैम, विशाल मेगा मार्ट मोहाली फेज 5। सर पैसे वगैरह सर पैसे वगैरह लगेंगे क्या? हाँ जी, कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे क्या यूनिफॉर्म? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी अगर आपके पास टाइम हो, जैसे मैं ना दिल्ली में हूँ, दिल्ली के लोगों को मैंने मतलब जॉब के लिए पूछा तो वो लोग पैसे मांग रहे हैं 1200 रुपये इसके यूनिफॉर्म के लिए, तो क्या देने पड़ते हैं क्या? कोई पैसे नहीं देने होते? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइज़, मैंने इसके अलावा जो है काफ़ी सारे विशाल मेगा मार्ट में डायरेक्ट कॉल करके जो है इंक्वायरी करी, और उन सभी ने मुझसे बोला कि मैम हमारे यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते, जो भी वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी आपको दी जाती है ना वो सब कुछ उसी में ही होता है, मतलब जो आपकी सैलरी आपको मिलती है उसी में ही सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो गाइज़, अगर आप विशाल मेगा मार्ट में जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी को भी पैसे नहीं देना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पोर्टल से हो, आपको उनको पैसे नहीं देना। दूसरी बात, अगर आप वाकई में नौकरी चाहते हैं अपने आसपास के एरिया में जहां विशाल मेगा मार्ट है वहां पर जाइए, इंक्वायरी कीजिए कोई जॉब वैकेंसी है या नहीं, अगर वैकेंसी है तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, नहीं है तो आप वहां पर अपना रिज्यूम सबमिट कराइए, अगर कोई वैकेंसी फ्यूचर में होगी तो आपको उसके लिए बुला लिया जाएगा। तो गाइज, आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दी, एक जो वैकेंसी आई है स्टोर मैनेजर की, अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं जिसको मैंने खुद ने वेरीफाई किया है, आपको उसकी जो है मैंने कॉल जो है वो भी रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मंडे को वहां पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, फ्यूचर वैकेंसी के लिए भी आप उनको कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जॉब नाउ 247.com को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।